हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एंड खास करके जब भी बाजार टॉप लेवल पे चला जाता है, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता ही है काफ़ी सारे नए लोगों की बाज़ार में एंट्री होती हुई देखने को मिल जाती है। और जो नए लोग होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं खास करके, उनको ये डाउट बार बार यहाँ पे सताते रहता है। तो इसी को लेकर ये पूरा वीडियो हम लोग यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। सो टॉपिक क्या रहेगा, तो आप सभी लोगों को पता है ये काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है कि सर देखा गया कभी भी मैं शेयर बाय करता हूँ या फिर करती हूँ, कभी भी जैसे ही बाय किया उसके तुरंत कुछ दिनों के बाद स्टॉक नीचे नीचे गिरना शुरू। ठीक है, 100 पे ख़रीदा होगा तो शुरू कैसे 98, 95, 92, 88, 85, 80, 70, या फिर उसका उल्टा भी पकड़ लो कि कोई शेयर अगर मैंने बेच भी दिया, ठीक है, तो उसके बाद मतलब भागना स्टार्ट कर देता है। मतलब ये बोलते हैं ना, ये कौन सी पावर है कि जब मैं यहाँ पे ख़रीद लेता हूँ तो नीचे चला जाता है, बेच देता हूँ तो ऊपर भाग जाता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, एंड मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा भाई। अगर आपको फैंसी वेंसी ऐसा कोई ऐसा लग रहा है कि कोई जड़ी बूटी या फिर चमत्कार वाला कोई तो फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, शेयर मार्केट में काफ़ी प्रैक्टिकल लोगों कि ही, मतलब हम कह सकते प्रैक्टिकल लोगों को ही शेयर मार्केट रिवॉर्ड देता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ख्याली पुलाव से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ सुनने या फिर देखने आए हो या फिर एक्सपेक्ट करते हो, तो लिटरली कहना चाहूँगा आप अपना टाइम बचा सकते हैं, इस वीडियो को यहीं से छोड़ दो। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करने जा रहे हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने पहली बार विजिट किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना, क्योंकि ऐसे टॉपिक आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे, मतलब ये लेक्चर रहते हर सैटरडे की बात करूँ तो सिखाते रहता हूँ। तो टॉपिक तो आपको पता चल गया, तो चलिए अभी ये जो बीमारी है उसका सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर आ जाते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम ही यही से स्टार्ट हो जाती है। कौन सी, कि बाय सेलिंग की अगर मैं बात करूँ, आप बाय करो या फिर आप सेल करो, आप सेल करो या फिर आप बाय करो, 99.99% लोग क्या करते हैं, ब्लाइंड फोल्डेड ये चीज़ें करते हैं। मतलब आँख बंद करके कुछ भी चीज़ें करते हैं, आँख बंद करके खरीदते हैं एंड आँख बंद करके ही बेच देते हैं। ठीक है, कोई लॉजिक बीजिक नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। ठीक है, रैंडमाइजेशन के हिसाब से शेयर खरीदते बेचते। चलो एक चार्ट आपके सामने रखना चाहूँगा। अब ये चार्ट में आपको तीन कलर नज़र आ रहे हैं, एक है ब्लैक, एक है ग्रीन और एक है रेड। सो आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, एकदम फ्लैटिश था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शेयर मार्केट के टर्म में, कंसोलिडेशन फेज, कि स्टॉक यहाँ पे ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, एक बॉक्स बन जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक में इस प्रकार का पैटर्न बनता है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक ने तेज़ी पकड़ लिया, एंड उसके बाद स्टॉक कुछ ज़्यादा ही भयंकर तेज़ हो गया, एंड ओवर वैल्यूड हो जाने के बाद आप देख सकते हैं लाल निशान के हिसाब से नीचे आ गया। अभी यही से सारी चीज़ें स्टार्ट होती है दोस्तों, कि मैक्सिमम लोगों बाइंग कब करते हैं। ठीक है, आप ऑब्वियसली शेयर तभी बेचोगे ना जब आपके पास वो होगा, तो पहला तो बाइंग ही आता है। तो 99% लोग बाय करते भाई, जो हरा निशान देखने को आप लोगों को मिल रहा है ना, हरा निशान कहाँ पे, यस यहाँ पे, तो वो क्यों करते हैं वहाँ पे बाइंग। यस, आप देख सकते हो स्टॉक बिल्कुल फ्लैट था, तभी उनको कोई इंटरेस्ट था क्या, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उनको, उस स्टॉक का नाम भी नहीं पता था। फिर क्या हो गया, अचानक से तेज़ी आना स्टार्ट हो गई, और फिर उसके बाद वो इतना तेज़ हो गया कि हर जगह पे उसकी चर्चा स्टार्ट हो गई, मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, टेलीविजन के ऊपर, एक्सपर्ट आकर उसी स्टॉक की बात करे, दैट्स इट। सो ये मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर का यही रीज़न होता है, वो क्या करते हैं रैंडमली जब स्टॉक पॉपुलर हो जाता है, एंड पॉपुलर मतलब कैसे, एकदम रैली पकड़ना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको भागती हुई ट्रेन जैसे हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं, उसको वो पकड़ लेते हैं बस ऐसे ही। एंड उसके बाद क्या होता है, फिर वो स्टॉक इतना ओवर वैल्यूड हो चुका होता है, फिर वो करेक्ट करेगा थोड़ा बहुत तो फिर वो नीचे आता है, एंड देन दे स्टार्ट क्राइंग कि भाई मैं खरीदता हूँ, तब वो नीचे आता है, अरे भाई तू यहाँ पे क्यों नहीं खरीदा, आप मुझे बताओ यहाँ पे क्यों नहीं खरीदा। आप इसलिए नहीं खरीद पा रहे हो क्योंकि आप जो मेजर जो दिक्कत है आपकी, दिक्कत कौन सी, जो मैं फॉर्म आपको बार बार यहाँ पे दे देता हूँ भरने के लिए, कि बस मैं आपको यही फॉर्म दूंगा, मतलब एक ही क्वेश्चन वाला फॉर्म, कि भाई तूने शेयर क्यों खरीदा है, क्यों बाय किया है, बस उसका मुझे आंसर बता दे। ठीक है, और इसके बाहर कोई सिलेबस है ही नहीं भाई, इसी में ही सब कुछ आ जाता है। ठीक है, क्या सवाल मैंने आपको पूछा कि क्यों शेयर बाय किया है, उसका मुझे रीज़न बता दे, आंसर बता दे। वो आंसर दोस्तों बिजनेस ओरिएंटेड ही होना चाहिए। बिजनेस ओरिएंटेड मतलब कंपनी का धंधा ये है, आने वाले समय में इतना ग्रो कर सकता है, फिलहाल कंपनी इतने इतने परसेंट से ग्रो कर रही है, बट आने वाले समय में ये एक्स फैक्टर, ये बड़ा क्लाइंट के साथ इन्होंने टाई अप किया है, कुछ नया ट्राई करने वाली है, आने वाले समय में और ज़बरदस्त करेगा, ये अगर रीज़न है तो हम समझ सकते हैं। बट आपके रीज़न क्या होते हैं, इसने बोल दिया, उसने बोल दिया, इसका यूट्यूब चैनल देख लिया या फिर मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया, ठीक है, टीवी के ऊपर किसी ने बोल दिया, टेलीग्राम के ऊपर, न्यूज़पेपर पे पढ़ लिया, ठीक है, भाग रहा था तो इसलिए खरीद लिया, ठीक है,
मतलब ये जो रीजंस होते हैं ना दोस्तों, ये रीजन आपको ले डूबेंगे। मैंने काफी बार आप लोगों को ये चीज समझाई है, ठीक है। आपका रीजन हमेशा बिजनेस ओरिएंटेड ही रहना चाहिए, ठीक है, तभी जाके आप सुधर सकते हो। ये पॉइंट हमेशा मतलब दिमाग में छाप लेना, वरना आपको बार 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 दिक्कतें, वही बीमारी आपको होती रहेगी। अगर आपको इसका परमानेंटली इलाज करना है तो आप शेयर क्यों खरीद रहे हो, ठीक है, उसके पीछे का रीज़न बिजनेस ओरिएंटेड ही होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे के जवाब मिलेंगे, ठीक है। आगे के जवाब मतलब कि शेयर क्यों और कब सेल करना चाहिए करके, जिस व्यक्ति को शेयर बाय ही क्यों किया है वही पता नहीं है, तो वो शेयर सेल कब करना चाहिए उसको भी वो क्या ही पता होगा, ठीक है। तो ये इसी चीज़ के चलते उनको दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक टास्क दे देता हूँ, ठीक है, कोई कमेंट सेक्शन में बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ही पेन कॉपी पेपर लेकर असेसमेंट कर लेना, क्या करना है, आपने अपना पोर्टफोलियो ओपन करना है, ठीक है। आपके पोर्टफोलियो में कितने भी स्टॉक्स हो सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, व्हाटएवर। सो उन सारे स्टॉक्स के नाम आपने लिखने हैं, ABCD व्हाटएवर, और उसके सामने लिखो रीज़न कि आपने क्यों बाय किया है। ये जो मैंने बोला ना आपको कि क्यों बाय किया, उसके सामने रीज़न लिखो। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ भाई, बिजनेस का रीज़न नहीं होगा आपका, आप इधर उधर की उड़ती उड़ती बातें ही लिखोगे। देखो दुनिया को आपको जो बनाना है बनाओ, बट आप इंसान बोलते हैं ना, खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो आप पूछो अपने आप को कितनी कड़वी सच्चाई देखिए, ठीक है, और ये टास्क आज आप करके देखिए कि आपके पास है ABCD कोई तो स्टॉक, पूछो क्यों बाय किया है। देखो आपको बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ भी नहीं पता है, बस ऐसे ही आपने देखा होगा किसी चैनल पर, देखा होगा, सुना होगा, ठीक है, दुनिया भर की चीज़ें। बिजनेस छोड़कर दुनिया भर के रीजंस आप बोल दोगे तो बिलीव मी, आपको आने वाले समय में काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ने वाली है, ठीक है। फिर आपको आगे जाके कब होल्ड करना है, कब एवरेज करना है, कब बेचना है, इस सवाल के जवाब आपको मिल ही नहीं सकते। फिर आप फ्रस्ट्रेट ही होने वाले हो, ये सच्चाई कड़वी आपको आज माननी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आप कहते हो कि हाँ इसके सामने मैं रीज़न लिख रहा हूँ बिजनेस ओरिएंटेड, तो फिर मुझे नहीं लगता फिर आपको कभी तकलीफ होगी, आपको सारी चीज़ें पता होंगी। सो ये सबसे बोलते हैं ना फसाद की जड़, ये जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई, कि कब आपने क्यों बाय किया है। ये अगर इस सवाल का जवाब आपको नहीं पता है तो बाकी सारी चीज़ें आपको दिक्कत होगी। फिर आप ये बोलते हैं ना कि मैं बाय करता हूँ तो गिर जाता है, बेच देता हूँ तो भाग जाता है, तो इसके पीछे के रीज़न ही यही है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो, आपने जैसे ही बाय किया उसके बाद वो गिरना स्टार्ट कर देता है, ये देखो, ये एक रीज़न हो गया, वन ऑफ द रीज़न। रिकमेंडेशन मतलब आपने दुनिया भर की चीज़ें सुनकर बिजनेस छोड़कर क्या कर दिया, बाइंग करने का विचार किया। या फिर फोमो मतलब भाई 100 पे शेयर था, फिर 150 हो गया, 180, 200, 210, अरे बाप रे भाग रहा है, फिर एकदम ही एक्सट्रीमली 5%, 10%, 20%, 30%, एकदम मतलब इंजन इतना गर्म हो गया, अभी 30% और भाग गया, अभी जाके आप खरीद रहे हो। मतलब वही रीज़न, देखो गाड़ी घूम फिर कर इधर ही आ रही है, इधर आ रही है, मतलब आपने बिना बिजनेस देख कर ही बाय किया है। क्यों, बस भाग रहा है इसलिए कर लिया है, 30%, 30 का 40, 50, ओ माई गॉड, अभी मैं काश मैं यहाँ पे अभी पहले खरीद लेता, अरे जाओ अभी खरीद लेता हूँ, क्या पता यहाँ से और डबल हो जाए, तो बस अभी हो गया तो लक चल गया भाई, नहीं हुआ तो आप आ गए इसी कैटेगरी में, मैं बाय कर लाऊँ और उसके बाद वो गिर रहा है। तो ऐसे रैंडमाइजेशन से भाई बाजार में कोई काम नहीं होता है। ये देखो उसके नीचे का भी रीज़न वही है कि आप रैली चेस कर रहे हो, रैंडमली रैली चेस कर रहे हो, ठीक है। हाँ बिजनेस ओरिएंटेड है, आप कह रहे हो कि इसने कोई बड़ा बिजनेस पकड़ लिया है इसलिए मैं यहाँ पे बाय भागते हुए इसमें भी बिजनेस ओरिएंटेड रीज़न के चलते बाय कर रहा हूँ, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे पता है ना, इतना मैं सिखाता हूँ, मैक्सिमम लोगों के रीज़न यही होते हैं, क्या, बाइंग छोड़कर सब कुछ, ठीक है। और उसमें भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि काफ़ी लोग होल्ड भी नहीं करवाते हैं, ठीक है। इवन दो अगर आपने बिजनेस देखकर भी कंसल्टेशन फेज में भी बाय किया होगा तो भी वो चाहते हैं कि फटाफट रिटर्न्स बने, ऐसा नहीं होता। मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है कि 365 डेज में से 250 दिन मार्केट चलता है, उसमें से 230 दिन वो शेयर आपके बाइंग प्राइस के नीचे रहेगा इनिशियल स्टेज पे, इनिशियल शुरुआत में वो आपको परेशान करेगा, बट 20 दिन ऐसे होंगे वो आपके बाइंग प्राइस के ऊपर निकल जाएगा और आपको रिटर्न देगा, ठीक है। तो उसके लिए वो 230 दिन की मार आपको खानी पड़ेगी। ये मार्केट के कुछ नियम है, किसी किताब में नहीं लिखे हुए हैं, बट मतलब बोलते हैं ना हम लोग एक अंदाज़ा लेकर चलते हैं अभी एक्सपीरियंस से, एवरेज एक्सपीरियंस से, कि ऐसा होता है करके। तो ये आपको समझना पड़ेगा, तब आप जाके मार्केट में टिक पाओगे, तब जाके आपको समझ में आएगा कि कब एग्जिट करना है, तब आपको समझ में आएगा कि कब बाय करना है, कब आपने होल्ड करना है करके। सेम सेलिंग से रिलेटेड भी वैसी ही कहानी, और कोई अलग बात नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब खुद से जो इंसान बाय नहीं करेगा उसको क्या ही कॉन्फिडेंस होगा भाई, वो तो इस जिस रीज़न के चलते उसने बाय किया होगा। मान लीजिए अभी रीज़न है कि कोई टेलीग्राम के ऊपर आपने कोई स्टॉक, मतलब रहता है ना ये चलता रहता है जो कि गलत बात है, ठीक है, उस हिसाब से आपने खरीद लिया तो अभी वो नीचे जा रहे हैं, तो आप उसी टेलीग्राम में जाके ढूंढते रहोगे कि भाई कब बेचे बेचे, ये इससे आपको लगता है आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ, इससे एकाध बार चौका छक्का लग सकता है भाई, इससे आप इंडिया के लिए नहीं खेलोगे क्रिकेट, आप समझ लो ये गली क्रिकेट में एक दो इनिंग खेल लोगे, तो लंबी पारी खेलनी है तो आपको अपने दम के हिसाब से ही खेलना पड़ेगा, और उसमें हाँ हो सकता है नुकसान ज़रूर होगा, तो ये पॉइंट पता होना चाहिए। सेम वही सेकेंड चीज़ कि किसी रिकमेंडेशन के हिसाब से बाय किया है तो वो सेल क्या ही करेगा, वो खुद का ही आंसर नहीं उसका,
तो वो मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको। देन तीसरा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न कौन सा वाला, कि मैं सेल करने के बाद भाग जाता है, तो आपको मार्केट का सेक्टर का ट्रेंड भी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। कुछ सेक्टर कैसे होते हैं, डाउन ट्रेंड में होते हैं, जैसे कि अभी की मैं बात करूँ, अभी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी केमिकल सेक्टर डाउन ट्रेंड में है। देन उसके बाद अगर देखा गया केमिकल के बाद और कौन से, फार्मा है, देन उसके बाद एक और आईटी है, ठीक है। अभी ये पूरे सेक्टर ही नीचे है, तो ये बात आपको मार्केट की बिजनेस ओरिएंटेड पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें पूरे सेक्टर्स ही नीचे है, ठीक है। अभी क्या हो जाता है, वो नीचे है तो रिकवरी के लिए टाइम लगेगा, तो कैसा हो जाता है, एक साल हो गया, अरे यार कंटाला आ गया अभी, तो बेच देते ऐसे रैंडमली, फिर उसके रिकवरी का टाइम होता है, फिर वो भागना स्टार्ट करता है, तो ये दिक्कतें आपको हो जाती है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कौन सी, कि टारगेट। टारगेट मतलब क्या है, कि बस काफ़ी सारे लोग रैंडमली बाय करते हैं, रैंडमली सेल, कोई ऐसा प्रॉपरली टारगेट लेकर नहीं चलते कि भाई आप एक्सपेक्ट क्या करते हो। ये पहला वही फॉर्म पे आ जाता है, भाई आपने भाई क्यों किया है ना, ठीक है। वो उसी से रिलेटेड है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। मतलब अगर आप कुछ चीज़ें बाय करोगे, जैसे कि अगर आप मुझे पूछोगे, ठीक है, ये वाला फॉर्म, कि मान लो एक्स वाई जेड नाम का कोई शेयर है, सर आपने ये बाय क्यों किया, अच्छा ये मैंने बाय इसीलिए किया है बिकॉज़ ये कंपनी का बिजनेस मुझे ठीक लगता है, इसमें ग्रोथ भी है, बट इसके आने वाले समय में ग्रोथ और बढ़ सकती है बिकॉज ये फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में अभी एंगेज्ड हो चुका है, ठीक है। आने वाले समय में मैं इसमें फोकस रखूंगा, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि 2 साल के बाद ये एक नया फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में जाने का विचार करेंगे, बट उसके लिए सरकार से उनको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो लाइसेंस उनको मिल गया तो मैं अपनी क्वांटिटी इसमें और भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। आप समझ रहे हो, ये आंसर देखिए कैसा है, ठीक है। इसके बाद सही गलत वो बात की बात है भाई, कि हम लोग रिटर्न कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे, बट बिजनेस ओरिएंटेड बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जो जो ये इस प्रकार के जवाब देता है ना दोस्तों, तो उनको ये सेलिंग से रिलेटेड फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उनके टारगेट, मेरा टारगेट एकदम स्पष्ट होता है, ठीक है। प्राइस के हिसाब से टारगेट नहीं होता है, बिजनेस के हिसाब से टारगेट होता है, कि हाँ भाई इतना इतना लंबा पारी यहाँ पे खेलना पड़ेगा, तो उस हिसाब से फिर वो होल्ड करना पड़ता है। तो मतलब बेसिकली अगर मैं गोल्डन रूल अगर आपको बता दूँ दोस्तों, तो ये भी एक गोल्डन रूल याद रखना, कि चार्ट जब भी लाल हो जाता है ना तभी बाय कर लो, एंड जब चार्ट ग्रीन हो जाता है तभी सेल करना होता है, ठीक है। बट हम लोग क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। मतलब अगर मान लो, अगर यहाँ पे देखा गया तो ये जो स्टॉक्स है हरे निशान में है और ये स्टॉक है लाल निशान में है, अगर आपको बाय करना है ना, तो आपने यहाँ पे ये जो गिरावट वाले स्टॉक है ना, वहाँ पे जाके देखो कि कोई अपॉर्चुनिटी है क्या बाय करने वाली, बिजनेस ओरिएंटेड, मतलब कंपनी कोई बिजनेस से रिलेटेड अच्छा करेक्शन में देखने को मिल रही है, 20-30% नीचे है, तो वहाँ पे जाना होता है। बट नहीं, हम कहाँ पे जाएंगे बताइए, यहाँ पे वो जो हरा रंग है ना वो हमें अट्रैक्ट कर लेता है, और वाह क्या कमी, ABCD कंपनी क्या भाग रहे, इसको खरीद लेता हूँ, समझ रहे हो। यहाँ पे दिक्कत है, अरे उसको अगर आपको खरीदना है, अगेन आप तेज़ी देखकर ही खरीद रहे हो, तो इसलिए आप फंसोगे, फिर वो नीचे आएगा तो बोलोगे मैं बाय करता हूँ, तो वो गिर जाता है, तुमने बिजनेस देखा ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए दोस्तों। एंड ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी वॉरेन बफे जी ने भी हमें कोट के माध्यम से सिखा के रखी हुई है, कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, एंड जब बाकी लोग ग्रेडी हो जाते हैं आप फियरफुल हो जाओ, ये सबको थियरी पता है बट कोई अप्लाई नहीं करेगा। अप्लाई करने का जब टाइम आएगा तो एक्चुअल में उल्टा ही रूल अप्लाई करेंगे, व्हेन अदर्स आर ग्रेडी हम भी ग्रेडी हो रहे हैं, हम भी उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड जब बाकी लोग यहाँ पे फेयरफुल हो रहे हैं हम भी बेचने का ही विचार कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है आपका हमेशा उल्टा चलता रहता है। सो अगर मैं इन सभी चीज़ों को समराइज करके अगर फाइनल फॉर्मूला बोल दूँ दोस्तों, तो फॉर्मूला वही है क्या, कि आपको बिजनेस देखकर ही डिसीजन लेने यहाँ पे आने चाहिए। जो मैंने टास्क दिया है ना वो टास्क करके देखो, मतलब बोलते हैं ना आपकी खुद की पोल आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। अगर आपने बिजनेस ओरिएंटेड, बिजनेस बिना बिजनेस देखे कोई भी स्टॉक को खरीदा है ना, भगवान बचाए आपको, ठीक है। लक चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चल गया तो भाई अपने आपको ही दोष दे दो, ठीक है, क्योंकि आपने रैंडमाइजेशन बिना बिजनेस के तुक्केबाजी यहाँ पे, मतलब बोलते हैं ना बैट घुमा लिए, एज लग के 4 गया तो गया, ठीक है, 6 गया तो गया, ठीक है, बट उससे आप सेंचुरी नहीं लगा सकते। उसके लिए सही टेक्निक ही होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी यहाँ पे आनी चाहिए। सो चले भाई, वीडियो तो काफ़ी लंबा यहाँ पे हो चुका है, बट फिर भी अगर आपको पसंद आया होगा तो ज़रूर यहाँ पे लाइक कर देना। उसी के साथ साथ हमारा एक और चैनल है SMKC करके, तो उसको भी फॉलो कर लेना, ओरिजिनल चैनल को ही फॉलो करना। कुछ तो 1.85 मिलियन वाला चैनल होगा, क्योंकि फेक चैनल काफ़ी देखने को मिलेंगे, सेम लोगो इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे बच के रहना, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।